For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. रंगोली चंडेल अपनी बहन कंगना रनावत को लेकर काफी पोजेसिव है और वो हमेशा सोशल मीडिया पर उन लोगों पर निशाना साधती रहती है जिन्होंने कभी कंगना के खिलाफ कुछ बोला है या फिर उसे इग्नोर किया है। कुछ महीने पहले कंगना रनावत की एक फिल्म बन रही थी जिसका टाइटल था मेंटल है क्या, और इस फिल्म के टाइटल पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। इनफैक्ट मेंटल इलनेस से उभरी दीपिका पादुकोण ने भी इस टाइटल को अपोज करते हुए बदलने की मांग की। इतनी ऑपोजिशन के बाद मेकर्स ने टाइटल को बदल कर जजमेंटल है क्या रख दिया, मगर तब से ही डिप्पी कंगना और रंगोली के रेडार में आ गई। इससे पहले भी कई बार दोनों बहनों ने डिप्पी पर पर्सनल कमेंट्स किए हैं, और अब हाल ही में जब दीपिका के एक फैन ने उनका एक पुराना इंटरव्यू रीट्वीट किया तो रंगोली ने भी इस इंटरव्यू में कई बातों को लेकर दीपिका को इंसल्ट किया। 2015 के इस इंटरव्यू में डिप्पी ने कहा था कि उसे रणबीर कपूर के बॉक्सर्स बहुत पसंद है। इस स्टेटमेंट को उछालते हुए रंगोली ने ट्वीट किया, A woman in steady relationship with another man goes on record and says that I would still love my ex-boyfriend's boxers. For Bollywood, this is class. मतलब इंग्लिश में कच्चे को बॉक्सर बोलो तो क्लासी है। और कंगना मेक्स हाईली अक्लेम्ड फिल्म ऑन मेंटल इलनेस, मगर उससे भी प्रॉब्लम है। वाह, अच्छा है तुम लोगों जैसे क्लासी नहीं है हम। कंगना स्टिल फील्स वी मस्ट नॉर्मलाइज वर्ड मेंटल। रंगोली के इस स्टेटमेंट को देखकर दीपिका पादुकोण के कई फैंस ने उन्हें दिया करारा जवाब और हर तरह से उन्हें ट्रोल करने लगे। पर रंगोली तो रंगोली है, वो यहाँ भी नहीं रुकी और उसने सभी बैकलैशेस को जवाब देते हुए मैसेज लिखा, दीपिका के फैंस मुझ पर बरस पड़े हैं, ये देखो मैंने थोड़े कहा उसने कहा है। मैं भी हैरान हूँ, जो इंसान अपने को एक्टर्स के कच्छों में घुसा रहता है उसको क्या पता फिल्म का टाइटल चेंज हो के फिल्म रिलीज और क्रिटिकली अक्लेम्ड हो जा चुकी है। तो रंगोली के इस ट्वीट पर फैंस के जवाब को देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।